परमपिता ईश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार के लिए दे दिया, हमारे उद्धार के लिए मुक्तिदाता को इस संसार में भेज दिया। आत्मदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आइए आज हम मनन चिंतन करें संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय एक, पवित्र वचन संख्याएं 26 से लेकर 38 तक। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस विशेष व महान घटना की याद करते हैं जब परमपिता ईश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार के लिए दे दिया, हमारे उद्धार के लिए मुक्तिदाता को इस संसार में भेज दिया। हमें उस उद्धार की सदियों से जरूरत थी, इंसान को उस मुक्ति की हमेशा से जरूरत थी, आवश्यकता थी। और परमपिता ईश्वर को यह पता था कि उनके हमारे मानवीय इतिहास में आए बिना यह मुक्ति योजना पूरी नहीं हो सकती, मुक्ति का कार्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अपने ही एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि हम इंसान जो कि अपने दम पर अपने सभी प्रयासों से भी उस मुक्ति को हासिल नहीं कर सकते, हमें प्रदान करने के लिए आए। और इस मुक्ति को हमारे जीवन में लाने में माता मरियम की भूमिका बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वचन में हम सुनते हैं कि माता मरियम गैब्रियल फरिश्ते की आवाज़ को, उनके संदेश को सुनती है और ईश्वर की योजना को अपने जीवन में स्वीकार करती है, अंगीकार करती है। मरियम कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा हो। यानी उन्होंने ईश्वर की योजना के प्रति अपने को समर्पित किया और ईश्वर को हाँ कहा। मैं मुक्तिदाता की, उद्धारकर्ता की माँ बनूंगी। और जैसे ही माता मरियम ने हाँ कहा, ईश्वर का वचन जो अदृश्य था, ईश्वर का वचन जो आदि काल से पिता के साथ विद्यमान था, उनके गर्भ में देह धारण करता है, उनके गर्भ में शरीर धारण करता है, मनुष्य बन जाता है। माता मरियम हमारे लिए एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है, नमूना है। क्या मैं आज मेरे जीवन में प्रभु को हाँ कहकर स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं यीशु को मेरे जीवन में हाँ कहकर स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं प्रभु यीशु को यह कहने के लिए तैयार हूँ कि यस लॉर्ड, हाँ प्रभु तू मेरे जीवन में आ। यदि मैं आज पूरे सकारात्मक रूप से उन्हें मेरे जीवन में बुलाऊँगा तो जैसे माता मरियम के गर्भ में यीशु देह धारण कर लेते हैं, मेरे शरीर में भी, मेरे जीवन में भी, मेरी आत्मा में, मेरी बुद्धि में प्रभु यीशु आकर समाहित हो जाएंगे। एक बार माता मरियम ने प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया तो उस क्षण से लेकर उनके अंतिम क्षण तक यीशु ही यीशु उनके जीवन में थे। यानी उनके जीवन में यीशु के सिवा और कोई नहीं था। एक बार यीशु को स्वीकार करने के बाद मैं दुनिया के पीछे भी भागता हूँ, दुनिया की रंगरेलियों में, दुनिया के शान शौकत में, दुनिया की मौज मस्ती में भी मन लगाता हूँ, या मेरा एकमात्र लक्ष्य यीशु रहता है। आइए हम माता मरियम से सीखें कि जिस प्रकार से एक बार उन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया तो वे अंत तक उनकी एक सच्ची अनुयायी बनी रही, कदम कदम पर उनके साथ रही। और जिस मुक्ति को, जिस योजना को ईश्वर पूरा करना चाहते थे उसे पूरा किया। आज मेरे जीवन में भी ईश्वर के लिए एक योजना है। क्या मैं यीशु को स्वीकार करके अंत तक उसी योजना को पूरा करने के लिए प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हूँ? आइए इस मनन चिंतन के साथ हम आज का यह दिन गुजारें और हम कलकत्ता की संत मदर तेरेसा की ये बात याद रखें कि जीवन में जब कभी हताश हो जाते हैं तो ईश्वर की माँ को पुकारिए। हे यीशु की माँ, मेरे जीवन में आइए और मेरी मुसीबतों में मेरी सहायता कीजिए। विश्वास कीजिए, मदर तेरेसा कहती हैं कि जब कभी उन्होंने माँ को पुकारा, उन्होंने प्रभु यीशु की माँ को अपने करीब पाया। हम
हमेशा माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते रहें, वो हमारी इस जीवन यात्रा में हमारी सहायता करें। आमीन।